नमस्कार, फर्स्ट में आज झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चारा घोटाला मामले में जज शिवपाल सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो को जेल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि अब जो जज हैं शिवपाल सिंह, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और वजह है उनकी शादी। बता दें कि जज शिवपाल सिंह ने शादी रचा ली है और बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 64 साल है और उनकी जो पत्नी है उनकी उम्र 50 साल है। साथ ही आपको ये बता दें कि गोड्डा कोर्ट की एक वकील है नूतन तिवारी, उनसे ही जज शिवपाल सिंह ने शादी रचाई है और आखिरकार बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले सुनाने के बाद अब जो जज शिवपाल सिंह हैं उन्होंने अपनी शादी को लेकर भी ये महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है और उन्होंने अपनी शादी रचा ली है। और लगातार जब से जज शिवपाल सिंह ने शादी रचाई है तब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से उनके और नूतन तिवारी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद से जज शिवपाल सिंह ने ये फैसला लिया और दोनों ने शादी रचा ली। चलिए बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो को जेल की सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। लालू को सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह ने 64 साल की उम्र में शादी रचा ली है। जज शिवपाल सिंह ने गोड्डा कोर्ट की एक महिला वकील नूतन तिवारी से शादी की है। दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था और आखिरकार जज शिवपाल सिंह ने 50 साल की अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी से शादी कर ली। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई है और इसी वजह से जज शिवपाल सिंह इन दिनों फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जज शिवपाल सिंह अपने करियर में कई महत्वपूर्ण फैसले सुना चुके हैं, लेकिन आखिरकार अपने प्यार को लेकर उन्हें 64 साल की उम्र में फैसला करना ही पड़ा। जज शिवपाल सिंह और वकील नूतन तिवारी की मुलाकात गोड्डा कोर्ट परिसर में हुई थी। गोड्डा कोर्ट में ही प्रैक्टिस करने वाले नूतन तिवारी बीजेपी के नेता भी हैं। दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और फिर नज़दीकियाँ कुछ इस कदर हो गई कि जज साहब ने महिला वकील के साथ ही आगे की जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। आखिरकार 64 साल की उम्र में उन्होंने 50 साल के नूतन तिवारी से शादी कर ली। इस शादी के बाद जज शिवपाल सिंह और वकील नूतन तिवारी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। चारा घोटाला मामले से जुड़े देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी केस की सुनवाई जज शिवपाल सिंह ने की थी। जज शिवपाल सिंह उस वक्त सीबीआई के विशेष अदालत के जज थे। सुनवाई के दौरान लालू यादव और जज शिवपाल सिंह के बीच कोर्ट में उस वक्त कोई बातचीत सुर्खियां बनी थी। दरअसल लालू यादव ने जज शिवपाल सिंह से एक पेशी के दौरान कहा था कि जेल में बहुत ठंड लगती है। तब जज शिवपाल सिंह ने लालू यादव से कहा था कि अगर जेल में ठंड लगती है तो तबला या हारमोनियम बजाएं और तनाव मुक्त रहें। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए रेडियो फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।